हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल दीपक झा स्टडी मस्ती पे, और मैं हूँ दीपक झा। दोस्तों, आज पढ़ाई की बात होगी नहीं, आज बात होगी एक ऐसे शख्स जो आज इस पंचायत का समाज से भी, जिस पंचायत में हम रहते हैं उसी पंचायत का समाज से भी समाज सुधारक, जन कल्याण के नाम से काफ़ी प्रख्यात और विख्यात मैथ मस्ती चैनल के बिपिन सर के बारे में आपको बताएंगे। जी हाँ, आज उनके बारे में हमको बताना है, जो ऐसे शख्स जो हर समय किसी भी गरीब असहाय, चाहे वो बाढ़ से पीड़ित हो, चाहे रुपया और पैसा से पीड़ित हो, चाहे पानी की समस्या हो, पीने की पानी की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, लाइट की समस्या हो, हर किसी न किसी पीड़ित व्यक्तियों के लिए समाज सेवी, जो हमारे इस चैनल के, हमारे पंचायत के समाज सेवी भी बने हुए हैं बिपिन सर, और आज हम उन्हीं के बारे में आपको बताने वाले हैं कि आज आखिर वो आज क्या कर रहे हैं जन कल्याण के लिए, जन के हितों के लिए, कितनी मेहनत के बाद उनकी सफलता मिली है और आज जो बने हुए हैं और उनका जयकार भी हो रही है, क्योंकि वो इतने मेहनत करने के बाद जो सफलता पाए हैं और उसमें से कुछ परसेंट जो गरीबों के लिए काम करते हैं, धन्य है वो व्यक्ति, जिनको मैं सलूट भी करता हूँ, क्योंकि ऐसे काम हर कोई व्यक्ति नहीं करता। दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इनको करीब से जानता भी हूँ, और जिस तरह हम, मैं ही नहीं हूँ, पूरे पंचायत के आदमी और पंचायत से बाहर के आदमी भी उनको पहचानता है, क्योंकि इतना अच्छा उनके पास फॉलोवर भी है यूट्यूब चैनल पे, आप चेक कीजिएगा। उनका चैनल का नाम है मैथ मस्ती, उनका चैनल का नाम क्या है, मैथ मस्ती, और इसीलिए हम लिखे भी हैं सुपरस्टार बिपिन सर ऑफ मैथ मस्ती, ये एक सुपरस्टार समझिए, क्योंकि मैथ मस्ती के सुपरस्टार ही हैं, और सुपरस्टार सिर्फ नाम से नहीं होता है, काम से होता है, और इनका काम है वही इनका सुपरस्टार बनाता है हर एक व्यक्ति के लिए। चूँकि देखिए, मेरा मानना है कि आप जो भी इनकम करते हैं वो आप उस इनकम में आप खुश रहते हैं, बिल्कुल, अगर अच्छा सा इनकम हो तो कोई फैमिली खुश रहेगा, अपने फैमिली के बारे में ही सोचेगा, अपने आने वाला या अपने फैमिली मेम्बर के बारे में सोचेगा। लेकिन कुछ ऐसे शख्स होते हैं जो अपने साथ साथ दूसरे के बारे में सोचते हैं, दूसरे जन कल्याण के बारे में सोचते हैं कि हमें किस तरह, जो काफ़ी असहाय व्यक्ति है उसको मदद करने का काम हर कोई व्यक्ति नहीं करता है, और वो व्यक्ति वो करते हैं जो हमारे लिए बेहतर है। मैं आज उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि काम जो उनका है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि काम किसी भी व्यक्ति को, जो गरीब है, जो निसहाय है, उनके प्रति उनका जो जागरूकता है, किस तरह जागरूक करे और किस तरह मदद करे, जो यथासंभव जितना होता है वो मदद भी करते हैं, क्योंकि मेन समय है सिर्फ मदद करने, जो गरीब है उनको मदद करते ही हैं, और दूसरी बात कि कुछ जागरूक का भी काम करते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा विकास हो और हमारे पूरा समाज का विकास हो। उनका का नाम है विकास तभी होगा जिसमें सिर्फ मेरा विकास ही नहीं हो, पूरे पंचायत का विकास हो, पूरे समाज का विकास हो, तभी मेरा विकास होगा, उनका ये का नाम है। इसलिए वो इस पंचायत में, पूरे पंचायत में, हर एक वार्ड में, हर एक गाँव में जाकर घूमते हैं और हालचाल, यहाँ का क्या स्थिति है, क्योंकि ऐसे कहने से कुछ नहीं होता, कुछ करने से होता है, और वो उनका काम ही उनकी पहचान है और उनका नाम है। मैंने उनका बहुत सारा वीडियो देखा हूँ, चाहे वो बेरोजगारी पर हल्ला बोल हो, चाहे किसी को, अगर एक बार मैंने उनका वीडियो देखा था जब सांप काटा था तो लेकर के मुजफ्फरपुर गए थे और इलाज भी करा करके लाए थे, और वो बच्चा आज जिंदा है उन्हीं की मदद से, चाहे वो गरीब था एक व्यक्ति और उनको इलाज करवाए थे, पटना में भर्ती करवाए थे, मैं उनका भी वो भी वीडियो देखा था, और कहीं भी थोड़ा सा सड़क निर्माण का काम हो वो भी करवाते हैं, चाहे बेरोजगारी पर हल्ला बोल हो, जिस तरह बेरोजगारी पर हल्ला बोल किए थे, आज उनका परिणाम और उनकी मेहनत, और हर एजुकेशनल चैनल वाले की मेहनत मैं ही नहीं करता हूँ, और इनका भी योगदान था जो रंग लाई, इस तरह बहुत सारा काम किए हैं। कहीं बाढ़ का अगर समस्या हो तो वहाँ भी पहुँच जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, जो समस्या है कोशिश करते हैं कि वो समस्या को समाधान किया जाए, और करते भी हैं, तो इनकी यही जो खूबी है, इनकी रंग लाती है इनके कामों में, और इनके काम से ही इनका नाम है, लोग इनका नाम लेते भी हैं। लाइट की समस्या
काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने अपने पैसे से पूरा पंचायत में लाइट लगाने का जो काम किया है काफ़ी अच्छा है और काम कर भी रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करता हूँ कि हमारे ये काम उनका होना चाहिए, मुखिया का होना चाहिए, नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज को सुधारने का काम कर रहा है, जिसमें बुराई कर रहा है, जो विरोध कर रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, विरोध तो करना ही नहीं चाहिए। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो विरोध नहीं कीजिए। जो तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में इनका बहुत सारा पिक आपको दिखाया हूँ, जो आप पिक देख करके समझ सकते हैं, नहीं तो आप इनका वीडियो देखिए। और इनका चैनल जो है वो इनका चैनल है मैथ मस्ती, आप इन पे जाके इनका बहुत सारा वीडियो आप देखेंगे, और वीडियो देखकर आप खुद पता लगा लेंगे कि किस टाइप के व्यक्ति है, किस तरह लोगों को मदद करते हैं। और आप जैसा कि आपको हम बता ही चुके हैं कि ये अपना फील्ड का ही नहीं, फील्ड से बाहर भी जाके काम किए हुए हैं। इनका बहुत सारा ऐसा मैं वीडियो भी देखा हूँ, जो पटना में भी थे, तो पटना में भी काफ़ी लोगों को मदद किए थे, जिनके पास सोने के लिए जगह नहीं था और वो कहीं फुटपाथ पे सोया हुआ था, और ओढ़ने के लिए चादर नहीं था तो चादर भी बांटे थे। तो ये बहुत सारा मदद करते हैं और किए भी हैं और आगे भी करेंगे, और इनका ये आशा इनकी रंग लाती है और लोग इनका नाम लेते हैं। कहते हैं ना, किसी का नाम नामों से नहीं कामों से ली जाती है, और किसी की पहचान पहचानों से नहीं इरादों से की जाती है। यही हमारे नितिन सर है मैथ मस्ती के, और क्योंकि मैं ही नहीं, हर एक व्यक्ति के मुंह पे इनका नाम रहता है, क्योंकि काम काफ़ी अच्छा है तो नाम क्यों नहीं लेगा। समय पड़ने पर कोई अगर मदद कर रहा है तो उसका नाम लेता ही है, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई हो, और लेना भी चाहिए। किसी पे किसी का एहसान रहता है तो एहसान को भूलना नहीं चाहिए, पूरा करना चाहिए। तो यही था इनकी कहानी, मेरी जुबानी, जो आप तक हम थोड़ा सा पहुंचाए हैं। और अगर आपको ज़्यादा कुछ देखना है तो इनका जो चैनल है उस पे जाइए और इनका वीडियो देखिए, आप खुद समझ जाइएगा। और मैंने इनके बारे में आज वीडियो इसलिए दिया क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इनका काम, जो समाज को सुधारने का काम करते हैं, और मैं लाइक भी करता हूँ, इसीलिए इन पर कुछ वीडियो बना करके मैं आप लोगों के बीच एक्सप्लेन करना चाह रहा था जो मैंने किया। अगर ज़्यादा विशेष कुछ जानकारी लेना है तो इनके चैनल पर जाकर के मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, देख सकते हैं। तो इनके लिए और पूरे समाज के लिए, जन कल्याण के लिए, जन के हितों के लिए मैं इनके साथ हूँ और पूरा समाज इनके साथ है। जो करेंगे इसमें हम लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सपोर्ट करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए, उसमें भी अच्छे कामों के लिए। बुरा काम हो तो विरोध कीजिए, अगर अच्छा काम हो तो सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।